frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts ki jo inka jo whatever you know tactics they have played, jo bhi karte the, Hindu Muslim ladai ke ladte the, wo fail ho gayi hai. And just imagine for a second, ek second ke liye imagine kar lijiye, agar is poster pe kisi BJP ke supreme leader ki photo hoti to abhi tak wo banda jail mein dal diya hota. राहुल गांधी को पोस्टर में रावण बताने पर अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और दूसरे दल खुलकर आ गए हैं। बीजेपी ने तस्वीर जारी कर राहुल को नए युग का रावण करार दिया था, जिसके बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। कहा है कि इंडिया गठबंधन के कारण बीजेपी ऐसा कर रही है। यही अगर बीजेपी नेता की फोटो होती तो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले को जेल में डाल दिया होता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कस्में जरूर खाते हैं, लेकिन ये लोग सनातन धर्म को नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी से शुद्ध और खुले विचारों जैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा। राहुल के पास जितनी धार्मिक जानकारी है उतनी किसी के पास नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह के तीन करीबियों को समन भेजा है। इनमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह का नाम भी शामिल है। सर्वेश मिश्रा आज ही ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। सूत्र के मुताबिक ईडी इन तीनों के सामने संजय सिंह के से सवाल पूछेगी। आप सांसद फिलहाल 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। बता दें कि संजय सिंह को बुधवार 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली वाले घर से ईडी दिन भर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। देश भर में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इस बार एक्शन मोड पर आ गया है, जिसके चलते कोर्ट की ओर से देश की नामचीन 24 बैंकों को नोटिस थमाया। कोर्ट के अनुसार साइबर ठगी करने वाली वेबसाइटों को लेकर इन बैंकों से जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब देने पर बैंकों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई। इसके चलते दिल्ली पुलिस को भी मामले में जांच को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लिहाजा कोर्ट ने बैंक की ओर से दिखाई जा रही इस लापरवाही पर एक्शन लेते हुए 24 बैंकों को नोटिस भेजा। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल को भी दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर अब तक नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर थे, लेकिन अब उनके खुद के सांसद ही उनके खिलाफ मुखर हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जाति जनगणना सही तरह से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी उनके समाज के लोगों का सही आकलन नहीं हुआ। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जो जाति की गणना हुई है, जिसे 2 अक्टूबर को पब्लिश किया गया, उसके बाद से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि हर जिला अध्यक्षों की राय है कि हमारे यहाँ जिले की जो गिनती है वह सही नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पीड़ित एक शख्स को 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने उसे बिना वजह आधे घंटे तक हिरासत में रखा गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि मुआवजा बदरपुर थाने के उन दोनों सब इंस्पेक्टर की सैलरी से वसूला जाए जो पीड़ित व्यक्ति को लाए थे और लॉकअप में रखा था। प्रसाद ने कहा कि इसका मकसद अधिकारियों को एक सार्थक संदेश देना है कि पुलिस अधिकारी स्वयं कानून नहीं बन सकते। याचिका पीड़ित शख्स ने ही लगाई थी। उसे पिछले साल सितंबर में दिल्ली पुलिस अवैध रूप से लॉकअप में कैद किया था। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।